अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आज जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीलॉग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज है 13 अगस्त और हो रही है बहुत तेज़ बारिश। आज हमें जाना था शॉपिंग पर, तो जैसे ही हम शॉपिंग पर जाने लगे हैं, यहाँ पर हो गई है बहुत तेज़ बारिश। तो हम वेट करेंगे बारिश के रुकने का। जैसे ही बारिश रुकती है, हम जाएंगे 14 अगस्त की तैयारी के लिए। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको आज पूरा दिखाऊँगी कि हम कहाँ कहाँ गए, कहाँ से क्या चीज़ परचेज की और क्या क्या लिया। और 14 अगस्त के रिलेटेड जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी चीज़ें। और यहाँ पर देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर, और बहुत सारे मुल्कों में जो है वो बारिश हो रही है, बहुत सारी सिटीज़ में जो है वो बारिश हो रही है। सामने आप देख सकते हैं जो है ना, वो एक अंकल ऊपर छत पर अपने वर्पण लगा रहे हैं और ये साइड में जो इन्जॉय कर रहे हैं गटर के पानी को, गंदा गंदा जो पानी है ये इसको इन्जॉय कर रहे हैं सामने खड़े हुए। ये आप देख सकते हैं सारा कैसा ख़राब हो रहा है, एकदम से जो है वो अचानक हो गई है बारिश। और ये आप मशीन का हाल देख सकते हैं, ये 10-15 मिनट टाइम पर जो है वो इसको बाय कर लिया है, तो मशीन मेरी सेव है बारिश के अंदर भी। ये देखिए ऊपर से पानी आ रहा है और बहुत तेज़ बाहर बारिश हो रही है। अच्छा जी, जैसे कि अब आप देख सकते हैं बारिश जो है वो हो गई है ख़त्म। तो अब जो है वो हम चलेंगे अपने शॉपिंग की तरफ। अब देखें लोगों का जो है वो आना जाना शुरू हो गया है क्योंकि बारिश ख़त्म हो गई है। अब हम जाएंगे अपनी शॉपिंग पर, तो मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग, हमने क्या क्या ख़रीदा है 14 अगस्त के लिए। अच्छा जी, तो हो गई है बारिश ख़त्म और हम जा रहे हैं 8 नंबर की मार्केट की तरफ। 8 नंबर की मार्केट को जो है वो हम कहते हैं जामा क्लॉथ मार्केट। जामा क्लॉथ मार्केट की तरफ हम जा रहे हैं और ये रास्ते में आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ से जो है वो हम कुछ चीज़ें परचेज़ करेंगे। और ये देखें बारिश के बाद जो है वो यहाँ का कितना बुरा हाल हो चुका है, हर तरफ जो है वो पानी ही पानी है। लेकिन कोई बात नहीं है, हमें तो शॉपिंग करनी है ना, तो आइए चलते हैं। यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम चलते हैं आगे। ये देखें कुर्ती, ये मुझे कुछ समझ आई है लेने के लिए, लेने के हवाले से कुछ बेहतर लगी है, तो देखते हैं। पहले मैं सारी चीज़ों को देख लूँ, उसके बाद ही मैं इसको परचेज़ करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है, पहले मैं बहुत सारी चीज़ों को देखती हूँ उसके बाद ही परचेज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आगे जो है ना वो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ मिल रहा हो। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरी 8 नंबर की मार्केट। अच्छा, मैंने जो है ना ये वीलॉग बनाया है ऑफ, जिस दिन ऑफ डे होता है, तो इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो आपको पीछे की दुकानें बंद नज़र आ रही हैं। और सिर्फ जो है अभी स्टॉल लगे हुए हैं 14 अगस्त के, अभी जो है वो मार्केट नहीं खुली हुई, मार्केट बंद है। और वैसे भी जो है ना वो बारिश की वजह से मार्केट हो गई थी बंद, तो थोड़ी मुश्किल आ रही है। अच्छा, 8 नंबर की मार्केट बाद में जाने लगी हूँ वहाँ पर ऑटोमान रोड पर। तो ये ऑटोमान रोड है, आरटी तो सबने माना होगा, आरटी मतलब ऑलमोस्ट हैदराबाद के लोग ज़रूर गए हुए होंगे, अगर बाकी के शहर के लोग नहीं गए हैं आरटी तो ज़रूर गए। यहाँ का फूड बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसका पूरे वस्तू है। अच्छा जी, हम चल रहे हैं रास्ते में और ये वाला रोड साफ है, के बाद ये वाला रोड साफ है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा मुश्किल जो है ना बताइए 8 नंबर है ना, क्यों नहीं बनाते चलते हैं उसी टाइम में हम जाएंगे सफायर पे। सबसे पहले मैं जाऊँगी सफायर पे, क्योंकि मुझे सफायर से लेनी है अपने लिए कुर्ती 14 अगस्त की। तो ये हम आ गए हैं सफायर पर और ये मैं जा रही हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पे, वहीं पर ही जो है ना वो स्टिच कुर्तियाँ जो है ना वो मिल रही हैं। उसके अलावा स्टिच कुर्तियाँ ना और कहीं पे भी जो है ना मुझे पसंद नहीं आती, या तो मैं जे डॉट से लेना पसंद करती हूँ वरना तो मैं सफ़ायर से लेना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं देख रही हूँ कुर्ती, यहाँ पे बहुत आउट क्लास, बहुत आउटस्टैंडिंग जो है ना वो कलेक्शन आई हुई है। और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पर कि यहाँ पर लगी हुई है सेल, तो अगर आपको अपनी पसंद की कोई भी कुर्ती लेनी है तो आप जल्द से जल्द यहाँ पर जाएँ और अपनी जो है ना वो कुर्ती परचेज़ कर लें। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त कुर्तियाँ थी, मुझे तकरीबन जो है वो कुर्तियाँ सारी ही पसंद आ रही थी, लेकिन सारी तो मैं ले नहीं सकती ना, तो यहाँ पर जो है वो मैंने सिर्फ लेना था 14 अगस्त के लिए, तो मैंने जो है वो ग्रीन पर हाथ मारा जाकर,
बाकी की सारी रख दी थी, तो मैंने ग्रीन जो है ना वो निकाली है, ये देखें आउट क्लास ज़बरदस्त, बिल्कुल बहुत अच्छी कुर्ती है ये। पहले मैंने अच्छा हाँ इसके प्राइस भी चेक किए कि कितने की है और मुझे ऑफ़ पर जो है ना वो कितने की मिलेगी ये। तो सबसे पहले जो है ये मैंने कुर्ती जो है वो ले ली है और अब हम नीचे आ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ का दिखा दूँ, ये पूरा इसका जो है वो ऊपर का, यहाँ पर सारे स्टिच वैरायटी मौजूद है। आप जो है वो यहाँ पर जाकर अपनी जो है चीज़ें बाय कर सकते हैं, जल्द से जल्द जाएं और यहाँ से जो है वो आप परचेज़ करें। अच्छा हम ये आ गए हैं नीचे की तरफ, ग्राउंड फ्लोर की तरफ। ग्राउंड फ्लोर पर हम आ गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है वो रश लगा हुआ है, सेल में यही होता है। हाँ हाँ तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हैं। ये हम आ गए हैं काउंटर पे और ये जो है वो मैंने जो है वो बिलिंग करवाई है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ एटीएम का इशू आ रहा था तो मुझे कैश करना पड़ा। बहरहाल तो अब हम जा रहे हैं ऑटोबान से एक्सपो सिटी की तरफ। यहाँ से मैं लूँगी अपने बेबी के लिए सूट। अच्छा एक्सपो सिटी पर भी जो है वो ज़बरदस्त सेल चल रही है 50% ऑफ की, तो आप ज़रूर जाइए और अपने बच्चों के लिए यहाँ से जो है वो ड्रेस लीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो बच्चों की बहुत ज़बरदस्त वैरायटी मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट आप अगर आपको चाहिए और या शर्ट टी शर्ट रॉम्पर जो कुछ भी चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैंने अपने बच्चे के लिए यहाँ से लिया था इंडिपेंडेंस डे का ड्रेस और रॉम्पर मुझे बहुत पसंद है। अब हम जो है वो जा रहे हैं बहुत तेज़ी से क्योंकि हमें हो गई है बहुत ज़्यादा देर। तो ये हम कर रहे हैं शॉपिंग और अब हम आपको दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा टायर्ड डे था आज, आप देख सकते हैं। मैंने सफ़ायर से जो है वो कुर्ती ली है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये हमने ली है सफ़ायर से, बहुत अच्छी सेल चल रही है सफ़ायर पर। आप लोगों को भी अगर सफ़ायर पर से जो है वो शॉपिंग करनी है अपने इंडिपेंडेंस डे की, तो आप भी जल्दी से जाइए और अच्छी सी जो है वो अपनी कुर्ती लेकर आइए। ये देखें मैंने जो है वो वहाँ से ये वाली कुर्ती परचेज़ की है, बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंट के साथ ये मुझे सफ़ायर की कुर्ती मिली है। ये नहीं बताऊँगी मैं आपको कि कितने की मिली है, लेकिन बहरहाल ये मैंने सफ़ायर से लिए। और जी ये है हमारे छोटू मोटू का ड्रेस बलाज का, तो जब मैं इसको रेडी करूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ये मैंने सफ़ायर से नहीं लिया है, ये देखें आप। अच्छा तो हमारे साथ रहिएगा। सफ़ायर वालों ने देखें किस तरह का इस दफ़ा बैग दिया है कपड़े का। आप जो है ना इसको बाद में सब्ज़ी बाहर मार्केट में सब्ज़ी वगैरह लेने जाए ना तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कपड़े का बना हुआ है पूरा, ये देखें। अच्छा जी और ये हम हो गए हैं रेडी अपनी पार्टी के लिए। आज जो हमने पार्टी देखी है अपने घर पर, तो हम जाएंगे पार्टी की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक आपसे इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।